अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और चलते फिरते आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो आन पहुँचा है, रोज़े कौन कौन रखता है और रोज़े के लिए क्या क्या स्पेशल अहतमाम किया जाता है और इस कदर महंगाई में क्या अहतमाम करना मुमकिन भी रहा आवाम के लिए या नहीं, और उनको क्या लगता है किस हुक्मरान के वज़ीर आज़म होने पर रमज़ान का महीना ज़्यादा बेहतर गुजरेगा, जानते हैं आवाम से। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, अमजद अली। अमजद साहब, रमज़ान शुरू होने वाला है, रोज़े रखेंगे? इंशाल्लाह रखेंगे, सब रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो क्या एहतमाम, स्पेशल एहतमाम क्या करते हैं? ओके सर, मतलब क्या स्पेशल खाने की? जो भी मिल गए स्पेशल नहीं, समोसे वगैरह, कोई पकौड़ियाँ या किस तरह जो भी चीज़। आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट जो भी है, बस बच्चों का फेवरेट। बच्चों का क्या फेवरेट, सबसे ज़्यादा क्या बनता है? जो मिल जाए बच्चे खा लेते हैं। बड़े अच्छे साबिर बच्चे माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इस बार महंगाई में आपको लगता है कोई सब्सिडी मिलेगी, हुकूमत देगी? शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ देगी, इमरान खान देगा। इमरान खान तो हुकूमत में नहीं है अभी, तो रमजान देगा इंशाल्लाह, आगे तो देगा, आगे से देगा। अगला रमजान आपको लगता है इमरान खान वजीर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इमरान खान। ख्वाहिश है कि आपको लगता है हो जाए? दिली चाहत है। क्यों पसंद है खान? अच्छा बंदा है, लीडर है। कैसे? अच्छा लीडर है। ऐसे लीडर है, अच्छा अच्छा है। लीडर में क्या क्या क्वालिटी? इस्लामी के बाद बात करता है। आपको इसलिए पसंद है कि इस्लाम के बारे में बात? जी जी। ये बताएं कि खान साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं, फिर भी जो है हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि ये अदालतों से भाग रहे हैं, आपको लगता है खान साहब किसी केस में उनको सजा हो? इंशाल्लाह नहीं हो सकती। फैक्ट्स के तहत आपने बता दें, वो सजा हो नहीं सकती, वो अच्छा है, लीडर है, उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। अभी ज़मान पार्क पिछले दिनों जो वाकयात हुए वो देखे आपने? गए आप एहतजाज? जी गए हैं, देखे हैं। गए थे एहतजाज? जी गए, गए। शेलिंग खाई? जी खाई। कितनी खाई? बस कभी दो इंद्रिय खातर है। कितने दिन रहे वहाँ? हम दो दिन रहे। अपना काम छोड़ कर? जी काम छोड़ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद असगर। सर रमज़ान का महीना आ गया। जी जी रखेंगे? जी अलहमदिल्ला। सर क्या स्पेशल एहतमाम? स्पेशल जो होता है वो ही होना है। पकौड़े बनाते हैं, समोसे? क्या पकौड़े समोसे, हर चीज ही होती है। मतलब ये इस बार तो महंगाई, तो ये तो वैसे ही बरकतों वाला महीना है, महंगाई जितनी मर्जी कर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रमजान शरीफ को पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि इस महंगाई का तोड़ होना चाहिए कुछ लोग? एक बंदा है पीछे तो है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। उसका कौन सा है? वो इमरान खान। खान के होते हुए ज्यादा अच्छा गुजरता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके होते हुए रमजान नहीं, पूरा साल ही अच्छा गुजरता है। ये देख लें आपके सामने है ना, जितनी चीजें भी हैं आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ चली गई, और आप मेरे तो ख्याल से कोई ऐसी चीज रह नहीं गई, कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जिसको पता ना हो कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब सब वाज़े हो गया, हर चीज हर इंसान को पता है। 96 मुकदमा दर्ज किए गए हैं खान साहब के ऊपर, आज तक इससे पहले किसी हुक्मरान के ऊपर इतने मुकदमा किसी के ऊपर भी नहीं हुए, और ये जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं ना, ये सब देनी पड़ेगी इनको बारी ना, ये बारी है इनकी, ये लें बारी, उसकी भी आनी। खान साहब बहुत सिला रहमी करते हैं, आपको लगता है अगली बार जो है खान साहब बदला? वो मेरा तो ख्याल बदला नहीं लेंगे, और बदला लें तो फिर इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो एक अच्छा इंसान है और मेरे ख्याल से वो नहीं लेगा, वो माफ कर देगा। सर जैसे जिले शाह के लिए लोगों ने इंसाफ की डिमांड की है, तो जिले शाह को इंसाफ? नहीं, वो जिले शाह को मिलेगा, वो तो एक कानून का हक बनता है ना कि जो मुजरिम है उसको सजा दे, क्योंकि वो तो कत्ल है ना आपके सामने हुआ है। और उसके अलावा तो मेरा ख्याल है इमरान खान इनको माफ कर देगा, वो पहले ही माफ कर चुका है, जो उसकी अपनी जात पे हुआ है ना वो माफ कर चुका है। बीबी घर में अकेली मौजूद थी, खातून को डरा, गलत किया है, वो कानूनी कार्रवाई जरूर करेगा इनके साथ, ये नहीं कि इनको ऐसे ही खुला छोड़ देगा। और ये आवाम भी इनसे मतलब है उन चीज़ों से नफरत करती है, और पहले भी करती है, अब भी करती है, बाकी मेरे तो ख्याल से कुछ भी नहीं रह गया ऐसा। सर इन द एंड ये बता दें कि आपको लगता है खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए? गिरफ्तार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं, खान एक लीडर है, लीडर गिरफ्तारियां नहीं देते, वो आवाम के और पूरे पाकिस्तान के बल्कि जितने इस्लामी ममालिक हैं सब के वो लीडर हैं, और हर बंदा मान चुका है कि वो वाकया लीडर हैं। ये भी मान जाए, नहीं मानेंगे तो मान जाएंगे। आपको लगता है कि मरियम नवाज को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मुबैना तौर पर इन्होंने तमाम कार्य? मरियम नवाज, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, किस बंदे को नहीं पता ये जो बोल रहे हैं। ये इमरान खान ने माजरत की है, वो जस्टिस के बारे में जो उन्होंने कहा था तो उन्होंने माजरत कर ली थी, तो आपने देखा होगा मरियम क्या कर रही।
किसको किस बंदे को नहीं पता, मुझे ये बताएं आप, हर बंदे को पता है। और बेहतर तरीका तो यही है कि ये आप छोड़ दें, मेहरबानी करें, हमारी जान भी छोड़ दें और इस मुल्क की भी जान छोड़ दें। खान साहब को कोई पैगाम दे। खान साहब को यही पैगाम है, ये अवाम खान साहब को अकेला नहीं छोड़ेगी और ना अकेला वो है, और इंशाल्लाह वो आएगा, हम सब उनके साथ हैं। अब इनका कोई बंदा नहीं रह गया, किसी से पूछ लें, जो इन्होंने हालात कर दिए हैं ना, मेरे ख्याल से इनके साथ अब कोई नहीं रहेगा। जो है हालात सबके सामने हैं और सबको पता है कौन किसके साथ है और आवाम की राय क्या है। तो नाज़रीन मज़ीद लोगों से बात कर लेते, जानते हैं कि रमज़ान का महीना किस वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए कुछ बेहतर गुजर जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या? वालेकुम सलाम मुअज़्ज़म बेग। मुअज़्ज़म साहब क्या करते? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो रमज़ान की आमद आबद है, कुछ सस्ती हुई अशिया हुरनों? नहीं, सस्ता तो वही चीज़ें हैं जिस तरह से हमारी शुरू से चल रही है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आ जाती है कि जो जितना भी महंगाई है उसको जितना ज़्यादा कर सकते हैं ना उतना कर लें, ना कि दूसरे मुल्कों की तरह कि वहाँ पे रिलीफ दिया जाता है आवाम को। लेकिन यहाँ पर जो है हर चीज़ महंगी है। अभी जिस तरह आप अगर पेट्रोल की बात भी कर लें, जो बेसिक नीड है, क्योंकि एक जो 50 रुपये कम करने का ऐलान तो कर, तो अभी आज ही दोबारा सुना था कि उन्होंने वापस भी ले लिया। तो अगर 50 में जिस तरह से वो बात कर रहे थे मुसद्दिक मलिक के, हमें जो है अभी करना है 6 वीक्स तक जो करना है आपने, अगर उसको कम करना है तो उससे पहले गरीब का पाकिस्तान अलग होगा तो अमीर का अलग होगा। मुझे आप कोई बता सकते हैं कि पहले क्या अलग नहीं है? एक गरीब जो है वो आज भी लाइनों में लग के आटा ले रहा है, गरीब के घर तो हर चीज़ पहुँच रही है। अगर किसी का कोई काम होता है, अमीर को सिर्फ एक कॉल करनी पड़ती है और जो गरीब है वो तो क्या कहते हैं धक्के खा रहा होता है, लाइनों में लगा होता है, काम उसके फिर भी नहीं होते। अमीर गरीब का फर्क जो है ना वो वैसे ही है और हमेशा से इस मुल्क में है और वो रहेगा, वो कभी कम नहीं कर सकते। आप महंगाई का सवाल जो है अगर आप करते हैं कि हम किस तरह से कम, ये अवाम के लिए कोई भी नहीं है, अवाम के लिए हुक्मरान है ही नहीं और हम ही चुनने वाले और सबसे बड़े हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। आवाम तो टैक्स देती है हर दुकान पे, हर चीज़ की जब भी खरीद करती है आवाम टैक्स दे रही है, अगर दुकानदार टैक्स ना दे तो फिर आवाम का कुछ ऑब्वियसली, क्योंकि हर तबका जो है ना वो जिसकी जहाँ पे, वो कहते हैं कि जिसको मौका मिला हुआ है ना वो लगा हुआ है, जिसको मौका मिल रहा है वो अपने हिसाब से। पॉलिसीज होनी चाहिए हुकूमत की जानिब से, टैक्स कलेक्शन बेहतर होना चाहिए, ये तो हुकूमत को चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत है जो आवाम का सोच रही है? मेरा नहीं ख्याल गया अब तक जब से पाकिस्तान बना हुआ कोई ऐसा हुक्मरान आपको मिला हो जो वाकई आवाम के लिए करे। आज अगर एक ख्याल में पीटीआई बेहतर है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग? नहीं, मेरे ख्याल से हर कोई जो है ना अपने मफाद के लिए इस मुल्क एक एक जरा बेहतर वोट किसे बेहतर? मैंने वोट जो है फर्स्ट टाइम लास्ट जो कास्ट किया था वो इमरान खान को मैंने कास्ट किया था, तो क्योंकि एक उम्मीद थी हमारे पास एक यूथ के लिए काफ़ी था, लेकिन अभी जो है वो जिस तरह से सारा सिनेरियो हुआ चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली यूथ भी काफ़ी हद तक पीछे भी हट गई है, लेकिन अभी भी उसके साथ नहीं है, हर कोई अपना मफाद। ऐसा क्या हुआ कि पीछे हट? वही चीज़ें हैं जैसे पहले ये घूमते करती थी कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, वही चीज़ें उसने आगे वही चीज़ें की कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, एक दो चीज़ें आप कह सकते हैं बेहतर की होंगी, मैं उसके बाद वही चीज़ें हमारे पास, उसके पास इतना गोल्डन चांस उसको दिया था अल्लाह ताला ने कह लें या हमारे यहाँ पे मुल्क में इतना उसके पास गोल्डन चांस था, लेकिन वो आपके ख्याल में 3.5 साल में क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती? 3.5 साल में काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता था, जिस तरह से वो मेडिकल वाली साइड पे गए थे कि जो है उसको बेहतर किया जाएगा, और ऑब्वियसली वो एक अच्छा था सेहत कार्ड वाली सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन था उसको, और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। फिर उसके बाद जो है आपका जो बेसिक नीड्स जो थी ना लोगों की, महंगाई क्योंकि उससे पहले उतनी देखी नहीं थी उस टाइम पर, जब तक पहले था नवाज़ नून लीग पीपल्स पार्टी ये जो दौर थे उनके अंदर इतनी आपने महंगाई नहीं देखी थी, कोरोना आया ये चीज़ें आई हैं उसके बाद उसने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन शायद जिस तरह से वो कहते हैं कि ना हमें कुछ करने दिया ना हम कर सके, शायद जब करना होता तो आपके पास एक पावर थी आप कर सकते थे। जब आपको लगता है पावर थी ये आवाम को तो यही नज़र आता है ना पावर उसके पास थी, अभी जिस तरह न्यूज़ पे मीडिया पे हम देखते हैं कि जो वो खुद से कह रहे होते हैं कि हमारे पीछे सारा जो है एस्टेब्लिशमेंट है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हमें कुछ करने नहीं दिया गया। अगर आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है तो फिर उनके घर जो है प्रिजनर्स वैंस किसने? पावर तो होती है, ये नहीं आप कह सकते कि पावर नहीं होती, एक जो प्राइम मिनिस्टर है हर कोई तो वहाँ जाके नहीं ना बैठ सकता क्योंकि उसके पास एक पावर है तो वो बैठा हुआ, लेकिन वो भी किसी ना किसी के अंडर ही काम कर रहा है। सर ये कहिएगा अगला वोट किसे?
अगला वोट जो है ना अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि एक आइडिया 1% 2%। मेरा ज्यादातर तो यही आइडिया है कि मैं ना ही दूं इस बार वोट, क्योंकि किसी को भी देने का वही कुछ मिल रहा है जो अभी तक हमें मिल रहा है, और इसमें सबसे बड़े जो है ना हम खुद से है अपना नुकसान करने वाली हम कौम खुद है। आज अगर एक रोटी 10 रुपए की थी आज 15 की है ना, अगर ये 20-25 की भी हो जाएगी ना आवाम बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो मैं नहीं निकलूँगा कि मैं अपनी रोजी रोटी पे क्यों मैं उसका वक्त जाया करूँगा, मैं जाके किसी हुक्मरान के पीछे। आवाम क्यों निकल रही है खान साहब? खान साहब के पीछे भी वही आवाम निकल रही है जो थोड़ा सा एक तबका है, आप जिसको देख सकते हैं कि ज़्यादातर आवाम जो जाती है वो कारकुन ही है, जो मुझे समझ आती है कि जो कारकुन होते हैं जितने भी पार्टी के साथ शुरू से हैं वही लोग जा रहे होते हैं, ना कि एक आम आवाम। हाँ ऑब्वियसली जब कोई जलसे वगैरह होते हैं उसमें आपको आवाम नज़र आती है, वो दोनों पार्टीज की तरफ नज़र आती हैं, सब पार्टीज की। ज़्यादा आवाम किस तरफ हो? ज़्यादा आवाम तो ये ज़्यादा बेहतर जो है मीडिया वाले बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो वही न्यूज़ में जो नज़र आ रहा होता है जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही। न्यूज़ में जो नज़र आता है उसमें आपको क्या लगता है कहाँ ज़्यादा? ऑब्वियसली पीडीआई की नज़र आ रही होती है, उनके आवाम ज़्यादा नज़र आ रही होती है, जो दूसरे जलते हैं जितनी भी दूसरी पार्टी है उनके पास इतनी ज़्यादा आवाम नहीं जा रही होती। अगर मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाने कैसा लगेगा? नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो और वज़ीर आज़म बन जाए। बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी जल्दी है कि वो वज़ीर आज़म बन सके। नवाज शरीफ साहब वापस आके? नवाज शरीफ आएंगे तो बनेंगे, पर वो मेरा नहीं ख्याल चांस उनका बस। शहबाज शरीफ को दोबारा बना? हाँ शहबाज शरीफ जो है इस वक्त वो अगर कुछ करना चाहता है तो वो कर लेते, उनके पास चांस है और मेरे ख्याल से इसके बाद उनको चांस नहीं मिलने वाला। इमरान खान को दोबारा? इमरान खान जहाँ तक उम्मीद है कि वो आने वाला है शायद, मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है कि वो दोबारा आएगा, किसी तरह भी आएगा लेकिन वो आएगा। तो नाज़रीन व्यूज़ आप में जाने कि कौन महंगाई करता है और कौन कंट्रोल ला सकता है। जिसने भी अब महंगाई पर कंट्रोल ले आया वही आवाम की नज़रों में हीरो होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? नसीर अहमद मेरा नाम। नसीर साहब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के आखिरी वास्ते क्या आए हैं? रोजे रखते हैं? हाँ रोजे इंशाल्लाह सारे रखे थे सर। तो इस बार आपको लगता है हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं देंगी? शहबाज शरीफ साहब से कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं। क्यों? ये देखो दो दिन में आटा कितने कितने रेट का, 650 का दे रहे हैं, 1150 रुपए का दे रहे हैं। आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वो फ्री आटा भी तो दे रहे हैं? नहीं, वो मैं कल मॉडल टाउन से गया हूँ, तकरीबन हजारों को लोग कह के कोई शायद नहीं मिली। नहीं मिला तो सर अब आटा बाहर से भी नहीं मिल रहा, वहाँ से भी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या? अल्लाह वारा से फिर। तो नाज़रीन जिनको आटा जिनको मैसेज आएगा अगर सिर्फ उनको मिलेगा, बाहर आटा नहीं मिल रहा, तो आवाम रमज़ान में रोज़े कैसे रखेगी, सहर अफ्तार कैसे करेगी? सर वोट किसे? वोट इमरान खान। इमरान खान को? आपको लगता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में बेहतर रमज़ान? हाँ जी इंशाल्लाह। कैसे बेहतर गुजरता है? बहुत अच्छा गुजरा है, साढ़ा दौर तो बहुत अच्छा गुजरा है, दो से साल में बहुत अच्छा गुजरा है, इंशाल्लाह आगे इमरान खान का वोट है। अगला वज़ीर आज़म आपके ख्याल में इमरान खान? इमरान खान आएगा। उनके घर में शेलिंग हुई इस हवाले से, उनकी करिए फिर क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको अच्छा लगा बुरा लगा? नहीं, नहीं, बहुत बुरा कहते हैं ना, बहुत ही बुरा कहता। आए दिन तो नहीं देखा हुक्मरान ने इस तरह कहता हो, हुक्मरान कोई गाल नहीं है। जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। सर खान साहब के लिए एक पैगाम दे। खान साहब को कुछ कहना चाहते तो वीडियो में देख कर आप। खान साहब जिंदाबाद, इंशाल्लाह वोट आपका ही है। खान साहब जिंदाबाद और वोट आपका ही है इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ये पीटीआई का वोट था, उनको लगता है खान साहब के जमाना है दौरे हुकूमत में बेहतर गुजरा, रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब मुझे ये बताएं कि रमजान आ रहा है? जी जी माशाल्लाह आ रहा है। रोजे रखते? जी जी रखते सारे। हाँ जी। तो रमजान में महंगाई की में कमी आएगी? यहाँ इजाफा हो गया, कमी कहाँ आई, इजाफा हो गया, आटा मिल नहीं रहा, जो हर चीज डबल हो गई है। पहले स्टाफ तो 150 रुपए से आप 300 रुपए किलो लगा रहे हैं। आपका किराया भी डबल होता है या नहीं? किराया डबल होता है, सवारी देती नहीं है। पहले हम लोग ये पहले ब्लॉकों का 150 लेते थे, अब सवारी कह रही है 100 ले लें। गैस है जो 300 रुपए किलो मिल रही है, गवर्नमेंट का रेट है जो वो 165 रुपए 265 रुपए, तो ये 300 हमें गैस दे रहे हैं। पेट्रोल है वो भी इतना महंगा है, तो अब वो तो कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं 50 रुपए, वो तो पता नहीं कब देंगे। अब हमने ये 10,000 रुपया लगाया इसको गैस पे कराया, तो अब ये 50 रुपये कम मिलेंगे, अब 10,000 फिर लगाएंगे फिर पेट्रोल पे करेंगे। ये तो वाकई एक सोचने की बात है कि पैसे लगा के बस इंजन का बेड़ा गर्क होगा, पेट्रोल कभी सस्ता कभी महंगा, कभी सस्ता कभी महंगा। आपके ख्याल में महंगाई की महंगाई आप देखें, महंगाई तो पहले वो तो कह रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से हुई है,
आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है वो कह रहे हैं कि इनने आईएम से जो वादे किए हैं वो इन्होंने किए हैं। आपने बताना है जिसने वादे किए, जिसने जो भी किया, लेकिन आपके ख्याल में महंगाई का जिम्मेदार एक इंसान, इसने उसने कुछ नहीं कहा, आपके ख्याल में? आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में तो अब यही है, शहबाज शरीफ भी यही है, अब इन्होंने महंगाई की है। शहबाज शरीफ साहब है? हाँ, यही इन्होंने। वोट किसे देते? वोट तो मैं शहबाज शरीफ को ही देता हूँ। वोट शहबाज शरीफ को ही दे रहे हैं तो इस बार देंगे? देखेंगे, अब आगे का फैसला देखेंगे क्या होता है। सर, किस चीज़ के ऊपर आपका फैसला डिपेंड? अभी तो ये सबके साथ ही है ना, जो जैसे कहेंगे फिर उसके साथ ही है। आपने इसी काम पे लगे रह रहे हैं कि कभी पेट्रोल करवा लिया इंजन, कभी सोई गैस करा लिया? नहीं नहीं, अभी तो अब गैस ही चला रहे हैं, अब पेट्रोल नहीं चलाएंगे। ये बताएं, अगर मरियम नवाज को वजीर आजम बना दे कैसा लगेगा? हम तो ये चाहते हैं कोई भी आए मुल्क के बेहतरी के लिए आए, कोई भी चाहे कोई भी आए, लेकिन मुल्क के लिए बेहतरी आए। हम तो, आपके ख्याल में अगर मरियम नवाज वजीर आजम बनती है तो क्या क्या बेहतरी ला सकती है? हमें तो नहीं कुछ लगता वो बेहतरी लाएगी। शहबाज शरीफ ला सकते हैं अगर शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बस की बात ही नहीं है। अब तो पहले अगर नवाज शरीफ आए तो फिर मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ हैं इन्होंने तो और आपके सामने हैं, और हर चीज़ डबल कर दी है, डबल से भी ट्रिपल हो गई है। 46% जो है महंगाई का रेट जो है शरा पहुँच चुकी है। सर, इमरान खान साहब के घर पर शेलिंग की गई इस हवाले से? सॉरी, इमरान खान साहब के घर आंसू गैस के शेल्स फेंके? वो तो कोई तो कह रहा है इन्होंने खुद पकवाए हैं, कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है। आपके ख्याल में फेंके गए हैं जी, खुद नहीं भिजवाए, हुकूमत के पास? हुकूमत के पास ही होते हैं, लेकिन कोई कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है। वो फेंकवाए हैं तो आपको कैसा लगा? नहीं, ये तो गलत हो है ना, सही तो नहीं ना, वाम ही है ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप है या कोई भी है, वाम के ऊपर ही फेंक रहे हैं ना, हुकूमत ही फेंक रही है, तो ये गलती है, सही तो नहीं है ना। सही नहीं है वाकई। सर, पैगाम दे दें भी नून लीग को, अगर आप नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं उन्हें देंगे, नहीं तो फिर शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ को हम पसंद करते हैं, नवाज शरीफ आए तो हम इंशाल्लाह वोट उनको जरूर देंगे। नवाज शरीफ साहब ना आए तो फिर किसे वोट देंगे? फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। किसको देंगे भाई, बता दे। फिर अभी डिपेंड नहीं किया, जो आएगा फिर उसको देखे जाएंगे, आएगा फिर उसको दे देंगे, अगर नवाज शरीफ साहब ना आए तो फिर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद जमान। जमान साहब, रमजान आ गया। जी जी, कैसा गुजरेगा? बेहतर ही गुजरेगा, पर लड़ना है अब महंगाई से। मरियम नवाज आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान, आवाम के लिए तो वही हार रहेगा। महंगाई ज्यादा होती तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, घर वालों से ज्यादा लड़ता है, महंगाई से लड़ने की लड़ाई होती है। उतनी तनख्वाहें नहीं जितनी हुकूमत महंगाई कर रही, उतनी सैलरी नहीं दे रहे, अवाम को परेशानी है। अवाम को कोई एक हुक्मरान सही चुनना है, अवाम ही नहीं ठीक है। तो कौन सा बेहतर है बात? ये तो अवाम को चाहिए। आपके ख्याल में कौन सा एक हुक्मरान बेहतर है इन तमाम ऑप्शन? जो भी आता है अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं सोचते, चूज तो इन्हीं में से करना है ना। आपके ख्याल में कौन अगला वजीर आजम? आप इलेक्शन डाले जाएंगे सर, आपके ख्याल में अगला वजीर आजम कौन? हमारे ख्याल में तो देखेंगे इलेक्शन के बाद। वोट किसे? अभी डिसाइड नहीं किया। पिछला वोट? मैंने पिछला भी नहीं दिया, मैं वोट देता ही नहीं। आज तक वोट ही नहीं दिया? एक सिर्फ डाला। वो किसे डाला? वो मेरा ख्याल मैंने लबैक को डाला था। ठीक है, लबैक को डाला था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, बाजी ठीक ठाक? ठीक ठाक, मंदे हाल हो गए बहुत, आटा नहीं लभ्या सानू। बागलियां पिंड च मेरा ना, बागलियां गादी चौंक अमीर चौंक, आटा नहीं लभ्या। कल लाए तो हैं पिंड सारे जी, अच्छे रोजा रखने, आटा क्यों नहीं लभ? आटा नहीं घर में? नहीं है। फिर रोजा कैसे रखने? रोजे रखने हो बाजी ने लै दिता है, आटा भी रोजे रख लो, कल देगी 5,000 आटे वास्ते। मक्की कड़ी 100 रुपए किलो थी, वही हूँ 8,000 दी भी किलो आ गई, अगे 2,000 दी आँदी है। इमरान खान अल्लाह लियावे, उकाड़ा दुपालपुर उजरा इस्लामाबाद, ऐसे इमरान खान दे आशिक है। आप भी इमरान खान के आशिक हैं? पिछला रमजान बेहतर गुजरा? हाँ जी। कैसे बेहतर? घर पे होता हूँ, रोजे घर रखना, मेहनत घर रवीदा है,
फिर इतने आवेदन रोज ही अल्लाह देर अल्लाह ना हों तो गरीब तो मर गया इन्हों अल्लाह लै जाए बड़ी मेहरबानी है अल्लाह लै जाए हाँ जी नवाज शरीफ न सुभाष शरीफ न बदमाश कहड़ा राणा सनाउल्ला इन्हों अल्लाह लै जाए गरीब जो मरदे पैन ये क्यों नहीं मरदे इन्हें कोई टिकट लाई है भी सुनना मारी गरीब मरदे पैन जलजला आया कल रात किन्ना नुकसान होया गरीबा के बच्चे मरे औरतां मर गई ये क्यों नहीं मरे सर खान साहब के घर के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई इस्लामाबाद में भी बहुत देखा कैसा लगा आपको कैसे इन्ना नुकसान होना फिर हुकूमत देते भी इमरान खान दे कड़े भी हैं उंगल कर सन दे हाथ तोड़ दे क्यों तोड़ सन वो सच्चा बंदा है वो ईमानदार बंदा है लाए लाए लल्ला सारी आवाम इंदे ते हो गई अल्लाह के सवा ना कोई झुके ना कोई झुकेगा अल्लाह ही रिजक दे रहा है अल्लाह यार एक दा ख्याल कर रहा उन्हें इवें गरीब बंदे मर जावन अंबीरां नूं सुर आ जाते मकान किवें पावी दे सीमेंट किवें लै जावी दे खान साहब ने कहा है कि आप लोग आज शापर 280 रुपए किलो से उन्हें 800 किलो है गरीब बंद के पॉपकॉर्न आप बेचते कितने में है वो बढ़ाई आप नहीं बाजी बहन तो उयो रेट दे रहे हैं गरीब बंदे थे रोटी का आसरा बने हो चलो अल्लाह बना ही रखे आसानियाँ पैदा करे सर आपके लिए सर खान साहब को ना दो दिन में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कत्ल करने का प्लान है और उन्होंने कहा है कि जिसने भी मुझसे बात करनी है आके बैठ के बात करे मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और अपने वर्कर्स को दंगा फसाद करने से मना कर दिया इस हवाले से क्या कहेंगे आपको लगता है दोबारा हमला नहीं होगा अल्लाह पाक है उनके नाल अल्लाह पाक दे रहा साथ बाजी नहीं तो कहीं इस्लामाबाद गया है पुलिस ने इधर फायरिंग की अल्लाह पाक ने हवा गुला दी उधर धुआं गया अल्लाह पाक साथ दे रहा है इंशाल्लाह अल्लाह करते हैं खान साहब हाँ जी हाँ जी क्या दुआ करते मैं मुमताज बंदा मैं नमाज कदो ही पढ़दा मैं अल्लाह जी अल्लाह सोने कोई ईमानदार इमरान खान लिया केड़े गरीब बंदे उनके बच्चों भी दुआ मर देवन सर खान साहब अगर आपकी ये वीडियो देखें तो आप खान साहब को जो भी कहना चाहते हैं आप इस वीडियो में कहेंगे ठीक है इसी की तरफ देखें खान साहब को डायरेक्टली खान साहब जी आपकी बहुत मेहरबानी आप बहुत अच्छे बंदे हैं उकाड़ा दोपाल पर उजराश ते सलामाबाद सारे आशिक हैं तेरे सिर्फ कलमे पीछे अल्लाह के सिवाय से कभी नहीं झुके अल्लाह आगे झुकेंगे तो इन्नी मेहरबानी कर इन्होंने मगरों ला तो महंगाई तोड़ दे आपकी मेहरबानी तो नाज़रीन आपने देखी कि क्या कहना इनका और रमज़ान है इस कदर महंगाई में आवाम किस तरीके से रोज़े रखेगी आटा दस्तयाब नहीं है मार्केट्स में और जिनको फ्री आटा नहीं मिल रहा वो क्या करेंगे जी सर कल बड़ा खपे हैं बागड़िया चौंक बागड़िया चौंक गाजी चौंक अमीर चौंक नमाज मोड़ ये सारे ऐसे फिरे आटा नहीं लभ्या रोजे रखने बाजी फिर इतने आई मैं भाइये ने गल कर रहा भी आटा नहीं लभ्या बाजी ने मैनू 5,000 दिया उन्हें भाई आटा ले लवे अब आटा मिला कि नहीं ऐसे पिंडी स्टाफ तो लिया 10 किलो आटा 1,250 दिता 10 किलो आटा बाजी आटा नेरा बोर्ड से खावे हांडी भी पकावनी होंगी रोजा किमें बाजी ऐसे तो रखना भी रोजा और नहीं तो अल्लाह को खोल लेंगे सारे बाजी नमाजी बंदे हैं और रोजे सारे जी अच्छे रखने ये एक सवाल ये निशान है कि अवाम किस तरीके से रोजे रखे और हुक्मरानों को इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि मुल्क का हुक्मरान
इसके लिए जिम्मेदार है कि उसकी आवाम, उसकी रियाया इस कदर तंग है कि रोज़ा रखने के लिए आटा नहीं है और रोज़ा अफ्तार करने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ दरकार नहीं है, लेकिन आवाम जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखेगी, चाहे 8 पहरा रखना पड़े और पानी के साथ जो है अफ्तार करनी पड़े, लेकिन सवाल तो उठेंगे और फिर जो वज़ीर आज़म बेहतर होगा उसी को पसंद किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अज़र अब्बास। अज़र साहब, कब से यहाँ पर? 5 साल से। 5 साल से? कितनी महंगाई हुई 5 साल? बहुत ज़्यादा। पहले 5 साल पहले कितने की खरीदते थे आप कोई चीज़ और अब कितने की आ गए हैं बाल महंगाई में? हाँ जी, किसों को हुक्मरान ने ज़्यादा महंगाई की और आपके बाल जो है सफ़ेद हो? तो सिर्फ हमारे छोटे लीडर कर रहे हैं वाले लीडर, ये जो पीछे इमरान खान वगैरह की सीट के नीचे जो साइड पे होते हैं सब लोग वही कर रहे हैं ना। इमरान खान के या किसी भी वज़ीर आज़म के? हम तो वैसे नवाज शरीफ की तरफ से हैं। नवाज शरीफ साहब की तरफ से हैं तो फिर तो आप काफ़ी खुश होंगे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म। हाँ जी, अभी तो कितने का पेट्रोल डलवाते हैं एक लीटर? अभी फिक्र तो 250 का डलवा रहे हैं। 250 का? इमरान खान के ज़माने में कितने का डलवा? इमरान खान के ज़माने में ही तो इतने का डलवा रहे। 150 का था, अभी किसका ज़माना? 150 का था ना, तो ठीक है, पर उससे पहले तो सस्ता था ना। हम ये पिछली दो हुकूमतों की बात करें ना, महंगाई मार्च लेकर आए थे और फिर महंगाई कम करनी थी, तो सर पिछले रमज़ान में आप कितने का लेते थे फ्रूट्स कितने का लेते? फ्रूट वगैरह यही था कि सब्जी वगैरह से ही लगा लें आप लोग। लेमन कैसे थे ना, आपको 30-30 रुपए किलो 1 kg मिल रहे थे, अब आप वो पता कर लें 250 रुपए kg है। किसने किया फिर? स्टार्ट नहीं है, अब यही तो नहीं समझ आती किसने किया है। वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आज़म इमरान खान भी है, नवाज शरीफ भी है, एक तो करप्शन कर गए हैं, एक कैसे महंगाई कर रहे हैं। करप्शन कौन कर गए? नवाज शरीफ साहब साहब करप्शन कर गए हैं। और महंगाई कौन? महंगाई है वो इमरान खान सब कर रहे हैं। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन? वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब को कोई कसूर है किसी चीज़ में? बताएं, आप बताएं क्या कहना सर। महंगाई किसने की? शहबाज शरीफ ने की। किसने किया? सारे लोग देख रहे हैं, सब वही सब कुछ उसने किया। पेट्रोल उसने महंगा किया है, आटा पहले 600 का था, अभी 1100 का हो गया आटा। सब मिल रहा है आटा? मिल नहीं मिल रहा आटा, इधर से मर्जी जो कहता, ना आटा मिल रहा है ना कुछ, ना चीनी मिल रही ना कुछ। ये कैसा ये मुल्क है हमारा, ना कुछ मिलना है। जिधर जाओगे लाइन में लगो, लाइन में भी फ़ायदा क्या, उसमें साटा लेना है 1100-1200 रुपये का बोरी लेनी है, वो भी 10 किलो की। पहले 20 किलो की बोरी 1100 में मिल रही थी, अभी जो सी है वो वाली जो सी है वो वाली इतनी नहीं मिल रही, वो इतने की मिल रही है। सर मरियम नवाज को अगर वज़ीर आज़म बना दें तो कैसा लगेगा? जी मरियम नवाज को वज़ीर आज़म नहीं, उसको तो नहीं बनाना चाहिए, क्यों वो जो कर ही नहीं सकती हुकूमत। आपको ऐसा क्यों लगता? क्यों वो कर नहीं सकती ना, उसका जो चाचू खड़ा हुआ उसने नहीं किया, जो चोर है वो उधर बैठे हुए हैं बाहर मुल्क, तो आके इधर कर लेते, हुकूमत कर रहे हैं तो इधर आ जाते, चोर उधर बैठे हैं और इस लोगों को इधर को इधर। आपके ख्याल में अगला वज़ीर आज़म आना इमरान खान नहीं आना है? जी सर, उनके घर के अंदर शेल्स फेंके गए, कैसा लगा? ये बहुत गलत हुआ है। क्यों बहुत गलत हुआ है? क्यों जो सच्चे जो होते हैं लीडर उसको कहते हैं ये गलत है, जो बेकार होते हैं कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं। करप्शन सब ने की है, अभी देखो डीजल है सब जोन से भी सारे ने करप्शन किया है। जॉनसन ये जॉनसन नहीं है, बताओ जॉनसन इमरान खान है, सारे कहते हैं ये चोर है ये है वो है। इसका दिल मानता है जब लोग कहते चोर? नहीं, इसने अभी कहा इसको मैं चपेड़ मारने लगा हूँ, बच गया मेरा तो से। अच्छा, बुशरा बीबी घर में अकेली थी और घर पे धावा बोल दिया गया, गलत बात है या? ये बहुत गलत है, उसके जोन से दरवाजे भी तोड़ दिए, उसके घरों पर भी चले हैं, और क्या क्या किया इस लोगों ने, एक लोगों के घर पर चलना बहुत बुरी बात होती है। हाँ। चार दीवारी का करना चाहिए, तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए। सर एंड में मैं आपसे ये पूछूंगी कि पेट्रोल बम जो होते हैं प्लास्टिक की बोतल में बन सकते हैं? बस ये लोग बना सकते हैं, अब क्या करें, जो उनसे ये लोग बना सकते हैं और कौन, कोई भी नहीं बना सकता है। नहीं होते पता, बस क्या करें अब इस लोगों के साथ। खान साहब को एक पैगाम दे, खान साहब को ये पैगाम देते हैं इधर डायरेक्ट आएंगे इंशाल्लाह, वापस आएंगे जरूर। खान साहब, खान साहब को जो दिल की बात करना चाहते हैं ना वो आपने वीडियो में देख कर, खान साहब को मैं वापस देखना चाहता हूँ बस। साहब आपको वापस देखना चाहते हैं, बस यही उनके दिल की ख्वाहिश है और आप ही वापस आएंगे। तो बढ़ते हैं मजीद लोगों की जानिब, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, क्या सर आप? मोहम्मद अहमद। आमिर साहब रमज़ान आ रहा है जी, महंगाई में इजाफा हो रहा है? इजाफा हुआ जी, आज से 10 दिन पहले आटा हमें मिल रहा था 650 का, अभी रमज़ान कल से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, तो अभी मैं कल आटे की थैली 10 किलो की लेके आया हूँ 1160 रुपये की, तो डबल गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए रमज़ान में, वो तो ज़्यादा महंगाई हो रही है। महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो सर आपके ख्याल में किसने कर दी महंगाई? महंगाई सब ने की है, जो भी आया सब ने महंगाई की। सबसे ज़्यादा
अभी मौजूदा वक्त जो कमरान उन्होंने की है। वोट किसे दे? वोट पहले तो हम नून लीग को देते थे, अब सोचेंगे। अब अगला वोट, आप अगला वजीर आजम किसे देखना चाहते हैं? आपने मुझे एक मिनट सोच के बताना। सोचने में यही है, जो भी आता है, इमरान खान पे आवाम ने भरोसा किया था, उसकी हुकूमत आई, उसको मौका मिला, उसने गरीब आदमी को उसने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। सर, 3.5 साल में आपके ख्याल में क्या क्या रिलीफ दिया? सबसे पहले तो जो है ये महंगाई पे होना चाहिए था कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ। चाहते हैं अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ बने या नवाज शरीफ? नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान ही आएगा और उम्मीद उससे ही है, तो उससे ही है। इमरान खान ही वजीर आजम बने, ये भी देखना चाहते हैं। सर, इमरान खान को एक पैगाम दे दे, आप जो भी कहना चाहते। सर, इमरान खान से यही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो भी ज्यादती जुल्म हो रहे हैं बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह आपको आवाम लेकर आएगी और आवाम को ही आपने रिलीफ देना और आवाम ने ही आपको लाना। सर, पेट्रोल पम्प कभी आपने देखा प्लास्टिक की बॉटल? अभी देखे हैं, इमरान खान पर देखे हैं। देखे, गलत थे वो झूठे पेट्रोल पम्प। पेट्रोल पम्प तो शीशे की बॉटल में हो। नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन इसमें जो भी ये ना नुकसान अपना खुद कर रहे हैं, और इससे बेहतर यही था कि बैठ के बात करते और जो भी मसले मसाइल होते हैं हल निकालें और आगे चल रहे। ये नहीं होना चाहिए था। बुशरा बीबी जब घर में अकेली थी अटैक किया पुलिस ने, ये गलत है समझते हैं? बुशरा बीबी हो या कोई भी हो, खातून का एहतराम होना चाहिए और उस पर कोई ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से अपना नेचर कोई दिखाए उसको सर उठा के देखना। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है वो कभी पामाल नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? मैं नहीं गल करने वाला ना। कोई नहीं, आप पंजाबी कर लेंगे। की नाम है ताडा? मोहम्मद अनवर। सर, रमजान आ रहा है कल? जी सर। रोजे रख दे? जी हां, सारे रोजे रख इंशाल्लाह। सर, महंगाई दी की सूरत? महंगाई जी, पहले आटा 650 में मिल रहा सी, हुन 1158 रुपए दा हो गया। ए साडे हुकमरान ने बाहर कणका वाधू पईयां नूं पिछले साल दीआं, वह क्यों नहीं बहर लिया मिलों से? मैं एक मिल मुलाजम है फैक्ट्री लैफ्ट हैंड, और ये जो ये आए न साहब, वो हालात ही कौन है, फैक्ट्री बंद हो गई, मैंने नौकरी कट दिता। अच्छा, वो मैं मैसेज कराया गरीबों का आटे के वास्ते, वो आज आप नाय ले गए हैं। नायल का की जुर्म है कि मैं उमरा किया है, इस पर नाय लेगा? मैं पाकिस्तानी नहीं है, मैं इंडिया क्रॉस करके आया हूँ। साडे बड़े इंडिया जो आए थे बड़ी कुर्बानी दे के आए थे, इन्हें जालमा ने इन्ना जुलम किया कि मैं गरीब आदमी हाँ, नौकरी गड्ढा गया, मैं अगर वेखो ना छाबड़ी ला के गुजारा कर रहा है, कोई एहसास है ना? आप दे ना लंदर फ्लैटा है साढ़े वास्ते कुछ कर ना, की किता ना साढ़े वास्ते? सर, तुहाड़े ख्याल सब तो ज़्यादा महंगाई केड़ी हो? इस हुकूमत सब तो ज़्यादा की शहबाज शरीफ साहब। सर, इमरान खान बेहतर कर सकते हैं महंगाई की सूरत हाल पाकिस्तान के अगर वजीर? ये तो जी मेरे ख्याल से कोई भी आ रहे तो हम वापस नहीं हो सकती, क्योंकि एक कुर्सी है तकरीबन 7-8 हज़ार आवाम जी एक कुर्सी के पिछे, तो इधर ख्याल ही कौन किसान हो, इधर जो ताजर लोग गरीबान लुटी जा रहे हैं। सर, तुहाड़े ख्याल से अगला वजीर आजम कौन होना चाहिए? साढ़े तो कोई भी आवे असं आने भी साढ़े गरीबों वास्ते कुछ सोचे, लेकिन कौन होना कौन चाहिए? साढ़े ख्याल में कोई भी आवे, अस ये नहीं आने शहबाज शरीफ आवे या इमरान साहब आवे, समझे ही ना? पर ये ना महंगाई आवाम ने दी की किता आवाम ने? सर, इमरान खान साहब के घर धुए दे बम सिटे गए, वो सही किता या गलत? इस गल का सामने पता ना, अस सियासतदान आपको पढ़े लिखे है अनपढ़ जे बंदे है, पर यह है कि किसी के घर में जरा ना काम करना अच्छा नहीं है। मैं ऐ दसो, कभी पेट्रोल पंप देखे जिंदगी? असं तो पेट्रोल है, कदम पेट्रोल पंप से जाइए कोई किसी के साथ हो देखी ना, सारे की पता बंब कह जा जी बंब कह जाए। कुछ कहना चाहोगे किसी? असं की कहना जी, असं तो आने कह ही दो कि महंगाई का नहीं, ये सारा ने किसी 14 हज़ार मिल रहा है, किसी 12 हज़ार मिल रहा है, किसी ने आटा फ्री मिल रहा है, मैं कि जुर्म किया? मैं सोने ज्यारत की आप दे पैसे ना, आप दी जेब खर्चा करके मैं मैसेज करना वहां से तू ना लगा
ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਹਾਲੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ इन्होंने आटा जो फ्री फराहम किया जा रहा था उसके लिए मैसेज किया लेकिन इनको जो मैसेज आया वो अभी मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि उसमें क्या लिखा गया क्योंकि इन्होंने उमरा किया हुआ है ये अल्लाह ताला के घर से होकर आए तो इसलिए नाहल करार दिया गया है तो ये किसी को बैक स्ट्रगल नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से उमरा किया कितने अरसे में पैसे जमा किए तो इट डज़ नॉट मैटर कि अगर किसी ने उमरा किया है तो वो इस्तात रखता है अच्छा जी ये मैसेज 8070 पर किया गया आप बिला मुआवजा आटे के हुसूल के लिए अहल नहीं है तो ये शख्स मेरे की जुर्म है मैं खुदा का घर देखा है आपकी पूरी कमाई जे पूरी जिंदगी कमाई मैं ओथे ला दी ये मेरा जुर्म है कि मैं पाकिस्तानी है मैं ना लेगा ये वाकई एक ज्यादती है अकबर अनाज मानो तो पूछा मैं हल केड़ी करूंगा हैं अभी आप हुक्मरानों से सवाल करें क्या सवाल करें कौन सुनने वाला है वो एक दंद से एक कुर्सी है उनके पीछे सारी वाम लगी हुई है जी ये ना मरना नहीं अकबराना एक दिन हिसाब देना पैना उस अदालत में इस तरह खुदा रहम कर साढ़े गरीबों से कणक साढ़े को बार वाधू पंजां आटा इतना लभदा नहीं पिया पहले 650 नूं लभदा सी अज 1158 रुपए का तीसरा दिन कर दिता हुण गरीब आदमी की करे जिसे चार बच्ची है जेनू कमाने वाला कला है 650 क्यों मिलता अगर कम है कौन जी एक सवाल ये निशान है तमाम लोगों के लिए हमारे लिए भी और हुक्मरानों के लिए तो एक शख्स जिसने अगर उमरा कर लिया तो उसको आटा फ्री नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसके लिए अहल नहीं करार दिया गया तो ये वो चीज़ है जो वाकई सोचने की ज़रूरत है कि एक शख्स अगर अल्लाह ताला के घर को देखने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी तो उसको क्या उसको किस तरीके से ये जो है ये तमाम सहूलियात मुयस्सर नहीं हालांकि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता रमज़ान की आमद है किस तरह रोज़े रखेंगे हमें भी अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत है कि क्या कोई सफ़ेदपोश शख्स शर्म की वजह से जो है भूखा रोज़ा तो नहीं रख रहा क्या इफ्तार करने के लिए लोगों के पास चीज़ें मौजूद हैं अपने हमसायों का अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखें क्योंकि रमज़ान हमें इंसानी हमदर्दी ही सिखाता है और हमें इंसानियत के लिए सोचना होगा और सिर्फ हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की है तो हमें बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग मौजूद हैं और अपनी ये तमाम आरा जो है हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें इससे अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़